तोहरा जैसन भाई कहो, तोहरा जैसन याद कहो। अपमान किया खेसारी बाबू का माइक ऑन कर दीजिए प्लीज, जस्ट स्विच ऑन हिज माइक प्लीज। हेलो हेलो हेलो, बढ़िया बैठा था पीछे जी कोई यार। चलिए आज एक शुरुआत हो जाए, वो भी जो मैं भी देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे, आप सब लोग भी देखते रहते हैं, आज पता तो चले इसके पीछे है और कौन है जो साथ चल रहा है या पीछे है, ये जाना बहुत जरूरी बात। के शुरू करें, एक बड़ा भाई होने के नाते ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट कहेंगे, निवेदन कहेंगे। भैया आप रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, आप आदेश दीजिए। नहीं सब लोग बड़ा हो भी लगता है आदेश की, आप मालिक हैं, आप हमारे बिग बॉस हैं, आपके आदेश का अवहेलना हिम्मत ही नहीं है कि आप उसका अवहेलना करें। आप मालिक हैं, आप गुरु हैं, आप हमारे लिए भगवान हैं, आप वो हैं जिनके वजह से आप हैं मनोज भैया हैं, जिनके वजह से आज हम लोग ऐसे ऐसे मंच पे खड़ा होकर बोल मार। थैंक यू सो मच। ये शुरू करी तो चला कोई तो तोड़े, ये बर्फ का ये पत्थर कोई तो तोड़े, इनका जो क्या आपस में बोले भाई रौवा से बोलता लोग कह रहे थे ये माइक जस्ट चेक। अरे भैया हेलो हेलो चला। अच्छा ये बोलने के लिए बोल रहे हैं, बताइए इनके सामने आज तक भोजपुरी में कोई बोला है जो कोई बोले करते हैं? लाख रुपए का आप किसी को बोलने नहीं है, हम आपके बोले हुए शब्दों को दोहराते हैं और अपने जीवन को चलाते हैं, और आप जो कहेंगे हम झगड़ा हम लोगों में कभी न था ना है ना कभी होगा। ये हमेशा मेरे बड़े भाई के गार्जियन है, आजीवन जब तक मैं इस धरती पे हूँ हमेशा वो बड़े ही रहे हैं और हमेशा सम्मान है। दनी बनी खरकोचा हार हुआ राजनीति में ना होला हर जगह तो होने कर खुदा खुदी कर एक बात, जहां मीठापन होना भैया खटास हो ना होना, ये तो संसार का नियम है, कभी मीठा हो कभी खट्टा हो कभी खट्टा हो कभी कभी मीठा हो जाए तो अभी क्या था खट्टा। और अभी आज के समय में जहां भी देखिए वहां सिर्फ और सिर्फ मीठा ही मीठा, ठीक है। और एक लाइन में यही गुनगुनाऊंगा, तुहरा जैसन भाई कहो, तुहरा जैसन याद कहो। ये सौभाग्य की बात है कि रवि भैया मनोज भैया की वजह से आज हमनी के बीच ऐसा मंच पे खड़ा होने के मिला था, हम लोग भाई हैं यार। ये सिर्फ कहने की बात है कि फलनावा के बेटा फलनावा के बेटा आज के दिन में आप सबके आशीर्वाद से हम लोग हिंदुस्तान के बेटा है तो हमनी के माई के बेटा है। आज मैं अगर पर्सनली मैं जहां भी हम क्षेत्र में है बाहर है काम कर रहे हैं शूटिंग कर रहे हैं जहां भी मोबाइल पे कुछ आता तो जरूर हमके पर्सनली मुझे अच्छा लगा, और जितना भी हमके अपन समाज मिला बोला ना कि का होता का होता, तो आज हम एक रिक्वेस्ट करें तो बड़ भाई के नाते एगो सीनियर के नाते आदेश करे जैसे भी बात जो भी मान ल आज के बाद जो भी मन मुटाओ जो भी लोग कर रहा है जो करवा रहा है नहीं कर रहा है स्मरण हो रहा है या एल्बम हिट हो जा रहा है नहीं हो रहा है बिराजी में लड़ाई हो रहा है वो खत्म करके भैया आज के बाद जो भी बात निपट ले करा तुम एक दूसरे के हाथी के खाई ले करा तुम बोल रहा क्यों तीसरा से पूछो हमेशा लगवा क्यों से मतलब तुम हमेशा लगवा आज के बाद ये प्रॉमिस करो मुझे। अरे ऐसी पढ़ गए बहुत नाम है आप लोग का पूरा विश्व जान रहा है, अब कोई जरूरत ही नहीं। आप हमारे बड़े भैया हैं और खेसारी लाल यादव मेरे छोटे भाई हैं, बहुत बढ़िया। जब से मैं खेसारी को जानता हूं और जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगा तब तक जानूंगा कि मेरा छोटा भाई है। और एक बात जरूर हम कहेंगे, मेरा भाई खेसारी जी की पर्सनालिटी हस्ती है और जो भी आप बनाए अपने मेहनत के दम पे बना
बट एक चीज का रिक्वेस्ट करूंगा बड़ा भाई होने के भी नाते, अपने बड़े भाई के सामने, कि अगर हमसे कुछ गलती होती है तो आप मुझे मैसेज करो भैया आपने ऐसा क्यों किया। मैं ये कहा कि जनता के बहुत सारा लोगों के मालूम भी ना क्यों हो, लेकिन मालूम की बात, लेकिन हम चाहेंगे तू वो सब बोला ताकि हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। और मैं आज बिल्कुल मेरा जन्मदिन है और आप लोग जन्मदिन पर कल आज रात को बस कुछ ही घंटे में मैं जन्मदिन लेवा तो मुझे ये तोहफा मिलने वाला बोल के हमने क्या तोहफा देगा हमारे बोलते क्यों मेरा जन्मदिन का तोहफा हमेशा हम एक ही होके दिखाएंगे आपको और ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत तो भोजपुरी के कारण जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे बिग बॉस मेरे रवि भैया। मैं यही चाहूंगा भगवान से यही प्रार्थना करूंगा मेरे भैया के चेहरे की मुस्कुराहट जो है वो आजीवन बरकरार लव यू। आज तुम लोगों ने बहुत सुंदर आगे छक्का।